गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर और पाठ 11। तो देखिए पाठ 11 में क्या है, वचन। तो वचन क्या होता है, जिसमें एक या अनेक शब्द होते हैं वो वचन के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम इस पाठ में अपने वचन और वचन के कितने भेद होते हैं ये चीज़ें पढ़ते हैं। तो देखिए वचन का अर्थ, तो सबसे पहले ये बताइए वचन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। नंबर यानी क्या होता है, संख्या होती है। तो देखिए वचन का अर्थ क्या होता है, आपकी संख्या होती है। और इसकी परिभाषा क्या होती है, तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का एक या एक से अधिक होने का पता चलता, जब कोई संख्या में क्या पता चलता कि ये एक है या एक से ज़्यादा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो जो हमारा वचन होता है वो उसके दो भेद होते हैं। तो वचन के कौन कौन से दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर, और बहुवचन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्लुरल नंबर। तो जो आपका सिंगुलर नंबर होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का एक होने का पता चलता, जब हमें क्या पता चलता है कि कोई वस्तु एक है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल बताते हैं कि एक खिलौना है, जैसे हम बोलते हैं कि एक घर के अंदर एक बिल्ली घुसाई, या यहाँ पे घर के अंदर एक खिलौना रखा है, तो उसकी संख्या कितनी हमें पता चल रही है कि उसकी संख्या कितनी है, सिर्फ एक है। तो वहाँ पे क्या होगा, एक वचन होगा। तो देखिए इसी तरह इसकी डिफिनीशन क्या बताई गई है, कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, संतरा, गधा आदि। जैसे लड़का है तो कितने लड़का है, एक लड़का है। संतरा भी कितना है, सिर्फ एक है। और गधा कितना है, सिर्फ एक ही है। तो ये आपका क्या बता रहा है, किसकी संख्या कितनी है, सिर्फ एक है। अब नेक्स्ट देखिए बहुवचन यानी प्लुरल। तो बहुवचन में जैसे हम क्या बताएं कि घर के अंदर बंदर घुस आए, तो बंदर जो है तो वो क्या हो जाएगा, आपका बहुवचन हो जाएगा। उसी तरह हम क्या कह दें कि घर के अंदर क्या आ गए, आपके आपके स्कूल के अंदर चूहे आ गए, तो चूहे यानी बहुत सारे चूहे। अगर हम चूहा बोलते तो इसका मतलब वो किस में आ जाता, एक वचन में आ जाता, क्योंकि चूहा मतलब सिर्फ एक चूहा। और अगर हम ये कह रहे हैं कि चूहे आ गए, तो चूहे मतलब क्या है, कि वो एक से ज़्यादा उसकी संख्या है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़के जैसे इसमें आपको लड़का बताया है, तो लड़का मतलब सिर्फ एक लड़का, और लड़के यानी बहुत सारे। जैसे नहीं कहते कि वहाँ पे बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, यानी उनकी संख्या एक से अधिक है। उसी तरह संतरे हो जाएगा और यहाँ पे गधे हो जाएगा। तो ये उसका क्या हो गया, बहुवचन हो गया। अब देखिए आपको हम एक एग्जांपल समझाते हैं। और जैसे देखिए ये लिखा है पुस्तक, तो पुस्तक मतलब ये कितनी पुस्तक है, सिर्फ एक पुस्तक है। तो ये क्या हो गया, आपका एक वचन हो गया। और इसमें देखिए सेकंड वाले में इसमें क्या लिखा है, पुस्तकें, तो पुस्तकें मतलब बहुवचन, यानी एक से अधिक पुस्तक इसमें है। तो ये किस में आ जाएगा, आपके बहुवचन में आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट पेज देखिए, देखिए इसमें पहले क्या लिखा है, तितली, तो तितली में सिर्फ एक तितली है। और यहाँ पे क्या लिखा है, तितलियाँ, तितलियाँ यानी इनकी संख्या एक से ज़्यादा है। तो इसलिए जिसकी संख्या एक से ज़्यादा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तितलियाँ कहते हैं। अब देखिए जैसे इसमें दिया है छतरी, तो छतरी यानी सिर्फ एक छतरी, और छतरियाँ यानी एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे इसकी संख्या क्या है, एक से ज़्यादा है, इसलिए हम इनको यहाँ पे क्या कहेंगे, छतरियाँ कहेंगे। वैसे ही यहाँ पे लिखा है बस्ता, और यहाँ पे एक से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके बस्ते हो जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे पत्ता लिखा हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारे हैं। देखिए हम कहते हैं ना, वहाँ पे पत्ता रखा है, यानी सिर्फ एक पत्ता रखा है। और जब हम यहाँ ये
कहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे पत्ते रखे हैं, यानी उनकी संख्या क्या है, एक से ज़्यादा है। तो उसी तरह हम ये एक वचन से बहुवचन भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, ये आपका जैसे तितली लिखा है, तितली मतलब एक तितली, और तितलियाँ यानी बहुत सारी तितली, यानी ये चीज़ें एक वचन से बहुवचन में समझाया गया है। उसी तरह आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आँख हो गया तो आँख का बहुवचन क्या हो जाएगा, आँखें हो जाएगा, नारी का नारियाँ हो जाएगा, और गुड़िया का गुड़िया हो जाएगा, और आपका कमरा का कमरे हो जाएगा। तो इसी तरह इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, एक वचन से बहुवचन में बदलते रहते हैं। क्योंकि जो एक वचन होता है वो क्या बताता है, अभी आप फिर से इसको रिपीट करिए, कि जो एक वचन होता है वो किसी संख्या के एक होने का बोध कराता है, यानी कोई संख्या वहाँ पे एक है, और बहुवचन आपका जब कोई संख्या किसी वस्तु की एक से अधिक होती है तो वो आपका बहुवचन कहलाती है। अब देखिए, आइए अभ्यास हम लोग अपना करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, उचित विकल्प पर हमें क्या करना है, सही का निशान लगाना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का एक या अधिक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वचन हो जाएगा। अब सेकंड देखिए, वचन के प्रकार होते हैं, तो वचन कितने प्रकार के होते हैं, अभी हमने आपको बताया वचन दो प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। कौन कौन से आपके वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। फिर देखिए थर्ड नंबर, देखिए बहने शब्द हैं, तो जो आपका बहने शब्द है वो क्या है, इसमें क्या दिया है, एक वचन, द्विवचन की बहुवचन, तो बहने आपका मतलब क्या समझ में आ रहा है, कि बहुत सारी बहने हैं। अगर एक बहन होती तो क्या बोलते हैं, कि बहन, और अगर उसकी संख्या एक से ज़्यादा है तो क्या बता रहा है, बहने बता रहा है, तो बहने आपका बहुवचन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वचन किसे कहते हैं, तो इसके लिए चलिए पेज नंबर देखिए आप लोग 39। तो ये देखिए इसकी डिफिनीशन, वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर भी पेज नंबर 39 में देखिए, कि यहाँ से वचन के दो भेद होते हैं, फर्स्ट क्या है एक वचन, और सेकंड क्या है बहुवचन है। तो इसमें क्या पूछा है, कि वचन के कितने भेद होते हैं, तो आप लिख दीजिएगा कि वचन के दो भेद होते हैं, फर्स्ट एक वचन और सेकंड बहुवचन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, रिक्त स्थान पे हमें क्या करना है, उचित शब्द भरना है। तो फर्स्ट क्या है इसमें, कि एक वस्तु को बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, जो कोई जब हमें ये पता चलता है कि कोई वस्तु वहाँ पे एक पर है, यानी वो एक वस्तु होने का बोध कराता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। अनेक वस्तुएँ बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, दो वचन कहेंगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विवचन हो जाए। अब देखिए क्रियाकलाप प्रोजेक्ट में ये आपका होमवर्क है घर के लिए, कि एक में पीला रंग, जहां पे डब्बा, तो इसमें क्या करना है आपको, पीला रंग, और अनेक में हरा रंग भरना है। तो जो चीज आपको एक दिख रही है तो उसमें क्या करेंगे आप, पीला रंग भरेंगे, यानी इसमें क्या करेंगे आपको, येलो कलर भरना है, और इस वाले में जहां पे आपको एक से ज्यादा दिख रहे हैं, यानी जैसे आपके क्या है, पिजन्स है, तो ये आपको एक से ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ग्रीन कलर भरना है। वैसे सॉरी, ये पिजन्स नहीं, ये आपके पैरेट हैं, क्योंकि आप भी जानते हो पैरेट किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, तो इसलिए आपको पैरेट को ग्रीन कलर में भरना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है आपका, कि कुछ एक वचन तथा बहुवचन शब्दों को लिखना है आप लोगों को अपने से, जैसे आप अपने घर के आसपास देखते हैं ना कि कोई चीज़ क्या है, एक वचन, जैसे पेंसिल ही है, तो पेंसिल का बहुवचन क्या हो जाएगा, पेंसिलें हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे आपको
पाँच छः, कम से कम आप 6-7 शब्द लिख लीजिएगा और उसका बहुवचन बना के यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो इसी तरह आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप एक वचन से बहुवचन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। और जो हमने आपको पढ़ाया, अगर वो समझ में नहीं आया तो आप एक बार और बताइए, तो हम आपको इसका फिर रिवीजन करा देंगे। आपका लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।